टाटा नेक्सॉन इंडिया की वन ऑफ द सेफेस्ट कार है और कई लोग इस कार के साथ हुए अपने रियल लाइफ एक्सीडेंट्स चैनल पर शेयर कर चुके हैं, जहां एक मेजर एक्सीडेंट होने के बावजूद नेक्सॉन के मजबूत लोहे ने उन्हें सेफ रखा और कई बार टक्कर जोरदार होने के कारण ओनर्स को लगा कि शायद कार में मेजर डैमेजेस आई होंगी। हालांकि बाहर निकलकर देखने पर उन्होंने पाया कि गाड़ी में काफ़ी माइनर डैमेजेस हैं। एक ऐसे ही एक्सीडेंट आज चैनल पर शेयर किया गया है जो एक सिमिलर तरह के एक्सीडेंट में MG हेक्टर और टाटा नेक्सॉन की परफॉर्मेंस दिखाता है। ये एक्सीडेंट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया था, आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सीडेंट की डिटेल शेयर कर सकते हैं। ये एक्सीडेंट बिहार से रिपोर्ट किया गया है, जहाँ टाटा नेक्सॉन के ओनर ने बताया वो नेक्सॉन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे और जिस रोड पर वो ट्रैवल कर रहे थे वहाँ एक डिवाइडर बन रहा है जिसकी विजिबिलिटी रात में काफ़ी कम है। उन्होंने बताया कि सामने से एक बलेनो हाई बीम पर चल रही थी और उन्होंने उसे लो बीम करने का सिग्नल दिया, हालांकि बलेनो ड्राइवर ने लाइट लो बीम पर नहीं डाली और नेक्सॉन ओनर को सामने कुछ दिखा नहीं और तब तक गाड़ी करीब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर डिवाइडर से लड़ गई। जिसमें टायर ब्लास्ट हुआ और नेक्सॉन डिवाइडर से जाकर लड़ी। काफ़ी तेज़ टक्कर होने की वजह से ओनर को लगा कि टाटा नेक्सॉन में मेजर डैमेजेस आई होंगी, हालांकि गाड़ी में काफ़ी कम डैमेजेस सिर्फ टायर के पास आई थी। टाटा नेक्सॉन ओनर ने इसके साथ एक और सिमिलर एक्सीडेंट शेयर किया, जहां कुछ सिमिलर स्पीड के आसपास MG हेक्टर सेम डिवाइडर से जाकर लड़ी थी, जिसमें MG हेक्टर के फ्रंट में काफ़ी मेजर डैमेजेस थी, साथ ही गाड़ी में एयरबैग्स भी डिप्लॉय हो गए थे। इन पिक्चर्स में आप MG हेक्टर में आई डैमेजेस देख सकते हैं। चैनल पर आपने MG हेक्टर के भी कुछ एक्सीडेंट्स देखे हैं जहां गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया है, पर बेशक मजबूती के मामले में टाटा नेक्सॉन काफ़ी बेहतर है। एक सेफ कार लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छोटे एक्सीडेंट में आपका खर्चा बचाती है और बड़े एक्सीडेंट में आपकी जान तक बचा सकती है। वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।